सिविल सर्जन डॉक्टर डी के शर्मा द्वारा बताया गया कि जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 4 शोबन व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मरीजों के लिए स्पेशल 56 बेड आरक्षित किए गए, जिसमें से 27 बेड अभी भी खाली है। जिला अस्पताल में अभी वर्तमान में 29 डेंगू के मरीज भर्ती हैं। सभी का इलाज चल रहा है। सभी मरीजों को समय समय पर दवाइयां एवं अन्य सुविधा प्राप्त हो रही है तथा डॉक्टर भी समय समय पर देखभाल कर रहे हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल में कुल 175 बेड है, जिसमें 20 बेड का अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जो कि उल्टी, दस्त, टीवी, डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाए गए। जिला अस्पताल में जितने भी डेंगू के मरीज आते हैं, सभी को भर्ती किया जाता है तथा सभी का इलाज किया जाता है। जिला अस्पताल में प्लेटलेट्स की कोई भी कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में, साथ ही जिन डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स प्रदान किया जाता है। जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीजों का कहना है कि अस्पताल में इलाज एवं डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था है। समय पर डॉक्टर एवं नर्स देखते हैं, सभी प्रकार की दवाइयां देते हैं तथा हम स्वस्थ हैं। साथ ही डेंगू के लिए आरक्षित बेड भी खाली है। मैं डॉक्टर डी के शर्मा, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल मंदसौर। आज कुछ बातें संज्ञान में ऐसे आई हैं कि मेडिकल वार्ड से या जिला अस्पताल से जो है डॉक्टर्स जो है पेशेंटों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। इस बारे में जो है मेरा प्रतिवेदन जो है इस प्रकार है कि जिला अस्पताल में जहां तक मैंने तहकीकात की है, मेरे साथ मेरे डॉक्टर्स भी बैठे हैं जो मेडिकल वार्ड के इंचार्ज हैं, डॉक्टर विक्रम अग्रवाल एमडी मेडिसिन है, जो पूरा मेडिकल वार्ड्स का राउंड लेते हैं और इमरजेंसी जो कक्ष है हमारा जहां से मरीज भर्ती होते हैं, उस डॉक्टर साहब से ही मैंने बात की है। कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर के द्वारा किसी भी स्थल पर किसी भी स्तर पर किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी नर्स ने किसी भी मरीज को ऐसा नहीं बोला कि पलंग खाली नहीं है, आप जो है हम आपको भर्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी के द्वारा इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया गया है। जाहिर है अगर ऐसी कोई बात अगर सोशल मीडिया में या कहीं और सुनाई पड़ रही है, मैं इसका सख्त रूप से खंडन करता हूं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड्स में हम लोगों ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सारे इंतजाम पुख्ता तरीके से किए हैं। 4 चौबंद व्यवस्था की गई है, राउंड द क्लॉक स्टाफ नर्सेस की व्यवस्था की गई है, नाइट ड्यूटी डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, कॉल ड्यूटी इमरजेंसी, कॉल ड्यूटी किसी इमरजेंसी के आने पर बराबर जो है कॉल हमारे मेडिकल विशेषज्ञ अटेंड करते हैं। कहीं पर भी कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा कतई नहीं की जा रही है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। टोटल जो बेड्स हमारे पास हमने रिजर्व किए हैं, 500 बेड का अस्पताल है जिला अस्पताल, लेकिन 175 बेड्स जो है हमारे पास में मेडिकल वार्ड के हम लोगों ने अपने पास में मेडिकल के मरीजों के लिए रखे हैं। उन 175 में से 56 बेड्स जो है वो हमने डेंगू मरीजों के लिए जो है सुरक्षित रखे हैं। उस 56 पलंग में से 27 जो है पेशेंट हमारे पास थे और उनकी हमने बराबर जो है आज 7 मरीजों की छुट्टी करी है। डेंगू के पेशेंट के लिए बेड्स अभी भी खाली हैं और सुरक्षित हैं और आरक्षित हैं। इसलिए ये खबर भ्रामक है, असत्य है, निराधार है कि डेंगू के मरीजों को भगाया जा रहा है। रह गई बात प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स जो है क्योंकि मशीन हमारे पास सेपरेटर मशीन छोटी है, उससे एक बैग बनता है और एक बैग से 5,000 की प्लेटलेट की संख्या में बढ़ोतरी होती है। डेंगू के मरीज काफी ज्यादा है, काउंट कम है। जितने मरीज आते हैं काफी लेट स्टेज में आते हैं, जिनकी प्लेटलेट्स 20-30,000 रह जाती है। जाहिर है कि ऐसे लोगों को कम से कम हर मरीज को 10-12 प्लेटलेट्स जो है वो चढ़ाना पड़ते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग डोनेट करवा रहे हैं ब्लड को और प्लेटलेट्स का संग्रहण कर रहे हैं। मंसूर से रवि पुवार की रिपोर्ट।